बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम दौलत शू वी हैव वंडरफुल एक्सपीरियंसेस विद यू पीपल ड्यूरिंग लर्निंग दिस ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स एंड वी आर हैप्पी टू सी यू ऑल पीपल लर्निंग दिस कोर्स एंड हैविंग अमेजिंग क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड एंड वी आर मोर एक्साइटेड टू पुट आवर एफर्ट्स टू टीच यू एंड लर्न विद यू पीपल दिस टेक्निकल स्किल सो टुडे वी आर लर्निंग प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्स्ट when we are opening a new file and we are typing a new text or post ke upar kaun si jo format hoti hai wo apply kaise karte hain I'll tell you today so sabse pehle aapke paas maine kal bhi bataya tha sabse pehle aap logo ke paas page hona zaruri hai so uske liye simply you have to control press and then hold the control button and then click on end to aapke paas is size ka jo hai एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा इसको डायलॉग बॉक्स कहते हैं अब यहाँ से आपने yesterday I have told you you have to select page जिस पे आप काम करना चाहते हैं अगर आज मैं बताऊं कि एक जनरल सा मतलब वेरी सिंपल हम एक बैनर बनाते हैं वो कम्प्लीटली बैनर नहीं होगा क्योंकि सिर्फ उसमें हम टेक्स रखेंगे अभी सो सिंपली वी आर हैविंग अ बैनर ऑफ 2x3 सबसे पहले आप इंचेस की साइज सेलेक्ट करेंगे एंड यू हैव टू सेलेक्ट जो मैंने कल बताया था कि जिसको हम कहते हैं 2 फुट लंबा फिर 2-3 फुट चौड़ा या 2 फुट चौड़ा 3 फुट लंबा तो ये जो आपका यहाँ पे फुट हम इस्तेमाल करते हैं वो 1 फुट यहाँ पे काउंट होता है 1 इंच में ठीक है जी तो अगर आप बैनर बना रहे हैं जिसकी हाइट 3 फीट है और उसकी लेंथ जो है वो 6 फीट है तो यू हैव टू सेलेक्ट 6 इंचज हेयर एंड And the next means height you have to put an input 3 inches. उसके बाद resolution आपने क्योंकि हम social media के लिए बना रहे हैं तो हम इसका simply मैं 300 रखता हूँ और यहाँ पे white background transparent का बताया था simply I'll click on this white और white के बाद आप जो है इसको simply okay करेंगे okay के बाद आपके पास ये white color का page खुल जाता है ठीक है जी अब इस पर हमने काम करना है अब इस पर हम काम कैसे कर सकते हैं सिंपली आपने क्या करना है कल भी बताया था ये इस टूल को ये वाला टूल आप लोग तो जैसे जैसे मेरा कर्सर मूव करे आप अपनी स्क्रीन को मूव जूम इन जरूर करें ताकि आपको नजर आए मेरा कर्सर कहाँ जा रहा है अच्छा अलाइट वी हैव टी अब यहाँ से मूव टूल ये रिमेम्बर दैट जो भी आप काम कर रहे हो अगर काम में गड़बड़ हो जाए तो आपने मूव टूल पे सेकंड वाला टूल है मूव टूल पे जरूर क्लिक करना है अब मूव टूल के बिल्कुल अगर आप नीचे जाएंगे बिल्कुल नीचे जाएंगे तो ये आपके पास टी लिखा हुआ है टी इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ टेक्स्ट आप इस पर सिंपली क्लिक करें क्लिक करने के बाद इस कर्सर को लेके आए आप अपने पेज पे जैसे ही कर्सर को आप पेज पे लेके आएंगे तो एक आपके पास टी और ये डायलॉग बॉक्स की वो डायलॉग बॉक्स इट सेज कि आप सिंपली प्रेस कीजिए अब सिंपली जैसे मैंने प्रेस किया है तो एक लाइन है जो बीप कर रही है और उसकी साइज रखी हुई है 179 ठीक है अच्छा अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पर मैंने लिखा एप्पल अच्छा तो शोएब यहाँ पे आप ये चीज गौर कीजिएगा अब ये देखें बड़ा आपको नजर मतलब के ये अल्फाज क्लियरली नजर नहीं आ रहे तो ये इसको आपने पूरा कर दिया अब ये टेक्स्ट मैंने लिखी है टेक्स्ट एक पेज के बाहर गई है आधी जो है पेज के ऊपर है तो सिंपली आपने करना ये है कि आप उसको सिलेक्ट करें सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से 179 जो इसकी साइज रखी हुई है वो 50 कर दें 50 करेंगे तो ये कम हो जाएगी और पेज के ऊपर आ सकती है ये ठीक है जी मैंने पेज के ऊपर 50 रख के और मैंने यहाँ पे मूव टूल पे क्लिक करना है मूव टूल पे जैसे क्लिक करूंगा तो ये आपकी टेक्स्ट जो है ये फिक्स हो गई अब इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकती अगर इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो सिंपली आप जाके टी पे प्रेस करेंगे टी पे प्रेस करने के बाद आपने इस टेक्स्ट पे डबल क्लिक करना है डबल क्लिक करने से क्या होगा कि यू विल सिलेक्ट ऑल लेटर्स इन द टेक्स्ट बॉक्स ठीक है तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे अब सारों में दोबारा से आप मैं लिख रहा हूँ एप्पल उसके बाद लिखते हैं कॉमा ऑरेंज ठीक है ये मैंने दो लिखे नाम लिखे दो ओके मैंने प्रेस किया अब मेन जो आज की बात है वो हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज से मुराद ये है कि अब टेक्स्ट ये सिंपल रखी है इस पर मजीद कैसे काम होता है क्या क्या होता है आई लेट यू नो सो आई थिंक ये मैसेज
प्लीज रिपीट सेम अगेन. यस आई एम रिपीटिंग. ओके सो सबसे पहले आई एम रिपीटिंग दिस. सबसे पहले आप टी ले लें, टी लेके यहाँ पे टी पे क्लिक करें, टी लेके यहाँ पे रखें और आपने कुछ भी टाइप करना है. टाइप कर दिया आपने एप्पल बॉल कैच मैंने लिखा. लिखने के बाद सेकंड वाला टूल होगा हर एडोब फोटोशॉप के वर्जन में जिसका नाम है मूव टूल. सिंपली आप मूव टूल पे क्लिक करें. क्लिक कर दिया मैंने, ये अब आपकी टेक्स्ट है फिक्स हो गई. अब इसको आप कहीं पे भी घुमा सकते हैं. ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे रखी. अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इसको दोबारा से आपने सिलेक्ट करना पड़ेगा. दोबारा से सिलेक्ट करने के लिए आप की उठाएं, यहाँ पे डबल क्लिक करें, पूरा आपका ये सिलेक्ट हो गया. क्योंकि ये जो ब्लैक कलर की आपको स्क्रीन नजर आ रही है बैकग्राउंड में, इट मीन्स इट इज सिलेक्टेड. तो जैसे ये पूरा सिलेक्ट हो गया है, अब यहाँ पे मैंने कल भी बताया था इसका अगर स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो जौन सा आपको अच्छा लगता है वो आप ले लीजिए. आई लेट यू नो लेटर कि हम इसके अंदर नए फॉन्ट्स कैसे डाउनलोड करके हम इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि वो हम यूज करें. क्योंकि बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर के अंदर जो होते हैं वो बिल्कुल सिंपल रखे हुए होते हैं. ग्राफिक्स के लिए आपको खुद से नए नए फॉन्ट्स रखने पड़ते हैं और इंस्टॉल करने पड़ते हैं वो आपको, तभी जाके ग्राफिक्स जो है बहुत अच्छी बनती है. वरना अगर कंप्यूटर के अंदर जो फॉन्ट्स होते हैं वो वेरी सिंपल लगते होते हैं, उससे डिजाइनिंग बहुत सिंपल बन सकती है. उसके लिए आपको जो है एडवांस फॉन्ट्स, हर आए दिन नए नए फॉन्ट्स आ रहे होते हैं तो वो आपने डाउनलोड करने हैं. अच्छा, यहाँ पे मैंने एक फॉन्ट इसका चेंज कर दिया है. अब इसकी प्रॉपर्टीज में इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, ब्लैक भी कर सकते हैं. बोल्ड मतलब सिंपली बोल्ड, ब्लैक में ये बिल्कुल मोटा हो जाएगा. देखें हो गया. अच्छा, बोल्ड पे ब्लैक में ऐसे हो रहा है, बोल्ड पे देखें सिंपल हो गया. तो ऐसे ये प्रॉपर्टीज हैं इसकी के बोल्ड करें, अटालिक करें, क्योंकि हर ये फॉन्ट पे डिपेंड करता है कि किसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है. लाइक कोई फॉन्ट अटालिक हो सकता है, कोई अंडरलाइन हो सकता है, कोई नहीं हो सकता. इट्स डिपेंडिंग ऑन द फॉन्ट. ठीक है जी. अच्छा, साइज का मैंने सिंपली बता दिया. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट की चीजें कल भी बताएं कि अलाइनमेंट सेंटर पे लेके जाएं, राइट पे लेके जाएं, लेफ्ट पे लेके जाएं, जहाँ पे आप लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं. यहाँ पे ब्लैक जो है इसको कलर चेंज करना चाहें, या आपने रेड कर दिया, रेड ना करें, ब्लू करें, ब्लू कर दिया, जहाँ पे इसको आप लेके जाएंगे वहाँ पे वो कलर अप्लाई होगा. ओके, ये मैंने इसका कलर रखा है ब्लू, यहाँ पे शो हो रहा है. अच्छा, इसके बराबर में जो है एक सर्कल बना हुआ है, उस टी के नीचे सर्कल बना हुआ है, उस पर मैंने क्लिक किया. क्लिक करने के बाद इस स्टाइल में गया हूँ मैं, बाकी चीजें एक्टिव नहीं है. स्टाइल में जाके देख रहे हैं तो अर्क, अर्क लोअर, अर्क अपर और ये बाकी नीचे मजीद ऑप्शन दिए हुए हैं. सबसे पहले जो अर्क दिया हुआ है उस पर क्लिक करता हूँ और तो ये देखें आपकी जो टेक्स्ट है वो सराउंडेड हो गई है, हाफ सर्कल में चली गई है. तो अब यहाँ से आपको यू हैव टू रिमेम्बर दिस डेट व्हेन यू विल डिजाइन अ लोगो इन सर्कल. एक आप सर्कल में जो लोगो बनाते हैं उसकी टेक्स्ट यहाँ से बनती है. ठीक है जी. तो अब इसको बैंड में कर रहा हूँ. बैंड का मकसद ये है कि मतलब सर्कल में कितना जाए. ठीक है जी. अब इसको मैं प्लस में अगर बढ़ा दूंगा वेरी वेरी यहाँ पे आपको ऐसे ठीक लगे, बेहतर लग रहा है. अगर नीचे लेके जाऊंगा तो ये नीचे की तरफ से ऊपर जाएगा. आपने देखा होगा कहीं पे लिखा होता है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ फलां फलां, नीचे से दिया होता है डिस्ट्रिक्ट फलां. तो ये एक टेक्स्ट ऊपर से होगी, फिर उसकी कॉपी करके नीचे वाली टेक्स्ट आप रख सकते हैं. ठीक है. अब वर्टिकल डिस्टॉर्शन का मकसद ये है कि ये टेक्स्ट हाइट में कितनी एक्सटेंड हो. ठीक है जी. हाइट में कितनी इंक्रीज हो. तो ये मैंने इतनी कर दी. ये मैंने इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको दोनों नजर आ जाए. मैं इसकी साइज रख रहा हूँ 20 भी पेज छोटा है, 15 रखते हैं. 15 अभी अभी यहाँ पे दिया मैंने. मिसाल के तौर पर हम देते हैं कराची. दोबारा टी सर्कल में जाएं. अब इसकी सेटिंग करनी है आपने. ठीक है, 0. ओके, वर्टिकल. ओके, सो लेट्स सी.
अब हमारे पास ये जो टेक्स्ट है उसकी हमने जब उसको बैंड किया है तो वो -86 है, और वर्टिकली डिस्टॉर्शन की है उसकी तो +11 है। अब मैंने ओके कर दिया, यहाँ पे वो टूल पे जाके क्लिक किया। अब ये आपके पास ये टेक्स्ट आपकी आ चुकी है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, ये मैंने रख दिया इसको कोने पे। अब मैं क्या करूंगा, एंटर पकड़ के आपको उसको प्रेस करें और इसकी कॉपी निकालें। ठीक है, कॉपी निकल गई, दोबारा से इसको सिलेक्ट करें। अब मैं इसमें लिख रहा हूँ GOVT गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज। ओके ऑलराइट, अब दोबारा से टी सर्कल पे जाएं, वहां पे अब इसको -86 किया था, अब इसको प्लस में करेंगे। ठीक है, प्लस ये मैंने कर दिया, ऑलराइट ओके, सो ओके कर दिया। देन मूव टूल पे क्लिक करें, क्योंकि मैंने पहले वाली जो टेक्स्ट थी उसकी साइज मैंने कम करी थी। ठीक है, ये मैंने ओके कर दिया। अब थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ, यहाँ से खींच के से एंटर कर दें, हो गया, ये आपका सर्कल में लोगो बन गया। अब इसमें क्या होता है कि ये आपके जब अभी तो ये रूल्स नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक सिंपली बता देता हूँ कि टी के नीचे सर्कल बॉक्स है जहाँ पे शेप्स पड़ी हुई ड्राइंग टूल, तो एक सर्कल हम बना देते हैं ब्लैक कलर का, ये रखा मैंने। इसमें पिक्चर कैसी आएगी वो भी बताऊंगा। ठीक है, इसी में मजीद हम एक स्टार रखते हैं, तो ये जब यहाँ पे टॉप पे जाएंगे तो ये स्टार पड़ा हुआ है, ये स्टार मिसाल के तौर पर हमने इधर रखा, ये स्टार हमने इधर रखा, ये आपका वेरी सिंपल लोगो बन गया, बिल्कुल सिंपल। ये जो आप स्टैम्प बनाते हैं ना, प्रेस पे जाते हैं हम लोग, मुख्तलिफ ऑफिस के स्टैम्प्स बनते हैं, वो भी ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, ये हमने बिल्कुल सिंपल बनाया, क्योंकि हमारी टेक्स्ट के ऊपर आज पहली क्लास है, टेक्स्ट पे काम करें, तो वेरी सिंपल हमने ये बना दिया, जिसमें हमने सीखा है कि हम टेक्स्ट को कैसे सर्कल में लेके जा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बहुत अच्छा बन गया है। अब मजीद इसमें देखते हैं कि मजीद इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज है। मैंने अल्टर पकड़ा, प्रेस करके नीचे खींचा, इसको यहाँ से कोने से खींच के मैंने छोटा कर दिया और इंटर दबा दिया, अब ये लॉक हो गया। ठीक है, दोबारा से मैंने टी उठाई, उस पर डबल क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया, टी सर्कल पे जाऊंगा। जाने के बाद यहाँ पे अब आप फ्लोवर पे जाएंगे, ये सारे स्टाइल से मतलब इस फॉर्म में चले जाएंगे। मिसाल फ्लैग पे जाते हैं, फ्लैग पे गए तो ये देखें टेक्स आप कैसे हो गई, फिर बैंड भी वैसे कर सकते हैं, जितनी इसकी बैंडिंग करेंगे यानी कि कर्व, वो जो आई थिंक इसको जिगजैग या कर्व लाइन कहेंगे, आई थिंक इसको जिगजैग ही कहेंगे शायद, चलें तो बहरहाल ये लाइंस ऐसे हो जाएंगे वो वेब्स की तरह। ठीक है जी, तो ये आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं, जैसे नल पास को लेके जाएं, मैंने ऐसे कर दिया, देन आप ओके करें और देन आप मूव टूल पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपकी टेक्स्ट ऐसे। अगर 3 लाइनें पूरी लिखेंगे तो ये आपकी टेक्स्ट पूरी फ्लैग की तरह बन जाएगी, जिसमें ये अल्फाज लहराते हुए नजर आएंगे, एप्पल कामा ऑरेंज, एप्पल कामा ऑरेंज। ठीक है, ये आप ओके कर दें, ये देखें ऐसे टेक्स्ट चली जाएगी। ओके, सो ये कॉपी कैसे करेंगे। अच्छा, अब्दुलरहमान कॉपी के लिए मैंने बताया है कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं, सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। देखें ये जो एप्पल ऑरेंज फ्लैग फ्लैग के शेप में है, ये सिलेक्टेड है अभी, मैं इसको छोड़ के ऊपर जो ओपल एप्पल एंड ऑरेंज लिखा हुआ है मैंने इस पे जाके सिलेक्ट करना है, अल्टर पकड़ना है, तो ये देखिए कर्सर चेंज हो रहा है, ये जैसे ही कर्सर डबल हो जाए तो आप अल्टर को पकड़ के रखें, होल्ड करें इसको, देन आप माउस का जो राइट बटन है इस पे जाके प्रेस करके नीचे की तरफ खींचें, नीचे की तरफ जैसे खींचेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, मजीद हम आते हैं अभी। ओके, दी हैव अनदर मैसेज, डियर राहिल, इफ पॉसिबल जो आप पढ़ा रहे हैं वो वर्ड्स में भी डिस्क्राइब करें तो इजीली रहेगा। आई थिंक आई एम टेलिंग यू इन वर्ड्स। अमजद साहब, मैं मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, जी आ रही है सर। आप इन रिटन फॉर्म में कह रहे हैं आप? आई थिंक ही सेइंग दैट इफ पॉसिबल जो आप पढ़ा रहे हैं वो वर्ड्स
में भी डिस्क्राइब करें तो इजीली रहेगा थोड़ा बता। अच्छा क्लास यार अभी बता दें आप, अगर पॉसिबल है माइक अनम्यूट करके बता दें ताकि मैं क्लास को उससे साथ चलाऊं। ओके अल्लाह टाइपिंग योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। ओके तो मेरी आवाज आ रही है, शुड आई कंटिन्यू? जी आ रही है। ओके ओके फाइन। सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट। अब इस तरीके से आप जाके जाएं, टेक्स्ट पे क्लिक करें, सिलेक्ट करें, आप इस प्रॉपर्टी में जाके जितनी भी आपके पास ये शेप्स बने हुए हैं ना, इसमें किसी में भी जाएंगे तो ये आपकी उसमें कन्वर्ट होती जाएगी। अब ये होता है ज़्यादातर, ये तो जो ऑफिशियल काम होते हैं उनमें नहीं होता, लेकिन जो हम इश्तिहार बनाते हैं उसमें ज़्यादातर ऐसी फैंसी टाइप की हम टेक्स्ट बनाते हैं, डिज़ाइन को फैंसी करता है। अच्छा मजीद आगे चलते हैं। ये उठाई दोबारा से, मैंने कुछ भी लिखा, मैंने लाइन्स लिखा, इसको मैंने कंट्रोल पकड़ा, शिफ्ट पकड़ा, कंट्रोल शिफ्ट दोनों को होल्ड करें और लेस देन और ग्रेटर देन की जो साइन होती है एन के बराबर में, आप अगर लेस देन पे क्लिक करेंगे तो इसकी टेक्स्ट साइज कम हो जाएगी, ग्रेटर देन पे दबाएंगे तो ये बड़ी हो जाएगी। और ऊपर की तरफ से जहाँ पे, यहाँ पे आपका ये बताया था मैंने, यहाँ पे भी आपको अगर कम कर रहा हूँ तो कम हो रही है, बढ़ा रहा हूँ तो घट रही है, आप दोनों तरफ से कर सकते हैं। अच्छा ये मैंने टेक्स्ट लिखी, अभी इसकी मैं प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूँ। दूसरा हमारा नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है वो ये है, इस नोट पे मैंने क्लिक किया तो डायलॉग बॉक्स खुल रहा है जहाँ पे बहुत सारी सेम चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिनमें से इम्पॉर्टेंट आपकी यूज़ होगी कि लाइन के दरमियान कितनी स्पेस, कितना स्पेस होना चाहिए। मिसाल 12 रखा तो ये चिपका हुआ है, अगर मैंने 30 रखा तो स्पेस होगा। अच्छा उसके बाद अगर मैं 24 रखता हूँ तो इट्स गुड, बट मजीद ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसकी साइज रखी 22, ओके 21 तक आई थिंक, 20 ज़्यादा करीब हो रही है, आई थिंक 22 तक चीप हो रही है, 22 तक रख दी मैंने। अच्छा और दूसरा ए वी के दरमियान जो एरो बना हुआ है हॉरिजॉन्टली, इसका मतलब ये है कि आपके जो लेटर्स हैं उनके दरमियान कितनी स्पेस हो। लाइक अगर मैंने 5 रख दी तो देखें इसकी स्पेस बढ़ रही है, 50 रखी तो बहुत बढ़ रही है, इस तरीके से 200 तक इसको लेके जा सकते हैं। देखें तो इसको आप नॉर्मली रखें ताकि ये अल्फाज आपस में ज़्यादा भी मिक्स ना हो, लेकिन सिंपल आपको एक टेक्स्ट नज़र आनी चाहिए। अच्छा उसके बाद कलरिंग वगैरह ये सारे वहाँ पे ही हैं, लेकिन नीचे वाली पट्टी, क्योंकि वी आर जस्ट लर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स इन दिस क्लास जो आपने एनी हाउ उस पर प्रैक्टिस करनी है। अच्छा टी पे प्रेस कर देता हूँ, टेक्स्ट आपकी होल्ड हो रही है जी। जी जी बिल्कुल आप करेक्ट बता रहे हैं। ओके ओके ऑल राइट आई एम गेटिंग यू सर, एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट दीज थिंग्स इन टेक्स्ट ड्यूरिंग क्लास, क्योंकि मेरी गुफ्तगू भी हो रही होती है और इस पर प्रैक्टिकल भी हो रहा था है, तो इस दरमियान ये सारी चीज़ें लिखना इज नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई आई रिकॉर्ड दीज सेशंस। सो ओके ऑल राइट उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, हम टी बता रहा था मैं, टी को अगर हम ऐसे अटैलिक करते हैं तो ये टेक्स्ट स्टडी हो जाती है, इस पे क्लिक करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं राहुल भाई? ठीक है हां अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर ये जो इसमें आप सही बता रहे हैं, कुछ कुछ जो चीजें हैं ना जो हम स्किप हो रही हैं, बातें नहीं समझ रहे क्योंकि वी आर न्यू, हमें इतना आईडिया नहीं है इसका, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आप पढ़ा रहे हैं ना, तो पढ़ाने के बाद अभी नहीं, आप पढ़ा रहे हैं उसके बाद जब क्लास एंड हो ना, तो आपने जो पढ़ाया है मतलब कि ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्ड बना रहे हैं तो उसको जूम एक जो है ना, जैसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस उसके बाद हम जूम जो है ना ये ग्रेटर देन और लेस देन साइन को प्रेस करेंगे तो उसके साइज को रीशेप करें। आप मुझे मसला कहाँ पे हो रहा था जैसे कि आप अभी करें ना, क्योंकि मैं जो आप कराएंगे अभी करेंगे ना ये मुझे हम सीखा है क्लास में, सुबह को उठूंगा और इसी पे प्रैक्टिस करनी है मुझे, ठीक है, तो उस टाइम पे मैं अवेलेबल आपको टेक्स्ट नहीं कर सकता ना अगर कहीं पे फंस जाऊं तो इसलिए मैं कह रहा आप अगर जो चीज हम करें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टेक्स्ट को लाइक आई एम गेटिंग यू, बस आप एक एक मुझे हम लोग सारे एक फेवर दे दें
कि जो ऐसी चीज हो, चूंकि ये गुफ्तगू मेरी 30-35 मिनट हो जाती है, कभी कोई चीज मिस हो जाए मुझसे, तो आप लोग एक काम किया करें, जब आप क्लास लें तो अपने पास वो चीज नोट कर लिया करें, फिर हम जब क्लास को एंड करेंगे तो जो सारी मैसेजेस मुझे मिल जाएंगे ना, तो मैं सब पे वो टेक्स्ट लिख दूंगा या वॉइस लिख के वो मैं भेजता जाऊंगा ग्रुप में। या सर ऐसे आपने कोई कोऑर्डिनेटर वगैरह भी रखा था ना कि कोई है तो उनको बोलें कि वो ऐसे डिस्क्रिप्ट को लिख दें अगर कहीं पे भी जो इसके डिस्क्रिप्शन है। चलें आज की क्लास के बाद इस पे हम करते हैं, प्लान करते हैं कोऑर्डिनेटर। एक्चुअली ये ऐसे भी है ना, इससे क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूँ जूम के थ्रू, तो स्टूडेंट को डिफिकल्टी हो रही है, जो कभी कभी मिसिंग है ना, किसी को वॉइस है, किसी को समझ में नहीं है, तो हम डिस्क्रिप्ट में लिख देते हैं, तो ये आसानी होगी कि भाई टीचर ने ये पढ़ा, ये जो डिस्कस हुए थे, तो फिर वो चीजें रिपीट करने में आसानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ ऐसे करते हैं, इसको प्लान करते हैं, बिल्कुल ये अच्छी लर्निंग होगी बाकी उनकी। चलो ओके ओके तो मूविंग टू नेक्स्ट। हाँ यहाँ पे देखेंगे जो टेक्स्ट मैंने लिखी है, क्योंकि मैंने सारी रैंडमली टेक्स्ट लिखी है, अगर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, राहुल लिखूँ, अली लिखूँ, हमजा लिखूँ, ठीक है, ये मैंने तीन नाम रखे हैं। अब तीनों की जो इसका केस है, ठीक है, इसको कहते हैं चेंज केस, आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पढ़ा हुआ है। चेंज केस से मुराद ये है कि ये जो आपकी टेक्स्ट रखी है वो बड़ी हो, छोटी हो, पहला बड़ा हो, या सारे बड़े हो, पहला छोटा हो, सारे अल्फाज शब्द तो वो बड़े हों, तो इसको चेंज केस कहते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए, तो वो सारे को सिलेक्ट करके यहाँ आप इस पे ऐसे आर के पहले करके प्रेस लेके जाएं नीचे सिलेक्शन करें, और टी डबल टी जो बना हुआ है उस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये सारी टेक्स्ट आपकी कैप्स लॉक में वो हो जाएगी, कैप्स में हो जाएगी, मतलब कैप्स लॉक हो जाएगी, जैसे बटन होता है हमारे, वो पूरे बड़े हो जाएंगे। अच्छा ए सेम एज टी पे अगर हम क्लिक कर देते हैं तो टी से टी एक बड़ी हुई है एक छोटी हुई है, तो जैसे इसका मिसाल ले लूँ, मिसाल दे दूँ मैं आपको, जैसे हम लिखते हैं H2O, ठीक है, तो अब H2O में हमारे पास क्या होता है कि एक मिनट राइट, ये मैंने हटा दिया। अब सिंपली यहाँ पे 2 को हम लेके जाते हैं, आई थिंक फार्मूला में नीचे जाता है, तो इस वाले बटन पे मैं जैसे एक मिनट हो I think it's not working properly. Okay. So I think ये तीन जो हैं वो काम नहीं कर रहे, but I'll let you know, ये तीनों का काम यही है कि मतलब जो पहला है वो आपका बड़ा हो जाए और फिर सारे जो हैं वो छोटे हो जाए, ठीक है, तो अभी इस पर काम नहीं कर रहा, बट let me try again. Okay. Now I have got. आप अभी देखें, अब ये जो आपकी टेक्स्ट है इसके साथ एक और वर्ड लिख देता हूँ, अली लगी, मैंने अली को सिलेक्ट किया, अब इस पर फॉर्मेट लगा दी मैंने ये वाली, तो अब इस पर क्या हो रहा है कि एक टेक्स्ट बड़ी और उसके बाद दूसरी टेक्स्ट हमारी उसी के साथ में छोटी हो रही है, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ कॉपी, अल्टर पकड़ा और ऐसे मैंने इसको नीचे की तरफ खींचा, दोबारा से आप उस पर क्लिक करें, फॉर्मूला लिखा H2, और अब 2 को सिलेक्ट करते हैं, ये मैंने इस पर सारी फॉर्मेट बता दी है, 2 को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद अब सुपर केस और दूसरी हमारे पास सब स्क्रिप्ट है, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट पर जैसे क्लिक करते हैं तो MS ऑफिस में ये 2 टॉप पे चला जाता है H के बाद, और टी जो हमारी सब स्क्रिप्ट है इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे चला जाता है, बट इट्स नॉट शोइंग, इसका मैंने काम बता दिया, बट आई लेट यू नो कि ये कैसे काम करेगा। तो बराबर में आपके पास टी नेक्स्ट जो है वो है टी पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अंडरलाइन पे गया, आई थिंक मेरे पास ठीक है,
ओके ये तीनों चार ऑप्शन छोड़ देते हैं, ये आई थिंक काम नहीं कर रहे। ये टी का आपने स्ट्रोक थ्रो पढ़ा होगा, स्ट्रोक थ्रो का काम ये होता है कि बीच में लाइन आ जाती है, जैसे हम काटते हैं एक रेड लिखते हैं फिर उस पर लाइन आ जाती है और बराबर में सही रेड लिखा होता है, तो ये स्ट्रोक थ्रो का ये काम होता है। अच्छा मूविंग टू फॉरवर्ड, क्योंकि इसको कम्प्लीट कर लेते हैं, चार मिनट ही जाते हैं। ये तो हमने पढ़ा था कि राइट पे लेके जाए, लेफ्ट पे, सेंटर पे, और ये एडजस्ट अलाइनमेंट करना, ठीक है, ये सारे एमएस ऑफिस में पढ़े होंगे आपने, और बाकी आई थिंक कोई ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं। अब एक चीज जो रहती है क्लास एंड होने से पहले वो मैं आपको बता दूं, अब ये सारा मैं खत्म कर रहा हूं। अच्छा एक चीज यहां पे एक शॉर्टकट की आप लोग नोट करें, अगर जैसे हम एमएस ऑफिस में अंडू करते हैं ना तो कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं तो अंडू हो जाता है, तो एडा फोटोशॉप में सेम अगर एक मरतबा अंडू करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल पकड़ के जेड दबाएंगे तो एक मरतबा होगा, लेकिन मजीद मरतबा करना चाहते हैं तो कंट्रोल पकड़ें, अल्टर पकड़ें और उसके बाद जेड को दबाते जाएं, तो ये मेनी टाइम्स अंडू होता जाएगा, ठीक है जी। ये देखें यहाँ तक मैंने कर दिया, अब हमारे पास ये स्पेस बचा है, अब इस स्पेस में मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा अली, इस अली को मैं कर देता हूँ कैप्स में, ओके, इसका फॉन्ट स्टाइल में थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए, एरियल, एरियल को मैं कर दूंगा ब्लैक, होल्ड कर देता है, ठीक है, एरियल होल्ड हो गया, यहाँ से इसको खींच के मैंने कर दिया बड़ा, ओके, लाइट, यहाँ पे मैंने रखा अली। अब ठीक इस तरफ से आपके पास ये जो आपको नजर आ रहे हैं वर्क स्पेस नजर आ रहे हैं, ये चार आपके पास आते हैं, नीचे नीचे की तरफ अगर कोने में देखेंगे तो जो जो चीजें हमने यहाँ पे रखी हुई हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आएंगी, आप जिस पे भी सिलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली ब्लू कलर की पट्टी यहाँ पे सिलेक्ट होती जा रही है, मिसाल एप्पल पे जाएंगे तो एप्पल यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है, अली पे क्लिक किया तो अली का यहाँ पे लेयर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहा है, यानी कि रिकॉर्ड हो रहा है कि आपने कौन कौन सी चीजें रखी हुई है, तो अली को जैसे सिलेक्ट किया ये आपके पास ब्लू कलर की पट्टी है, ब्लू कलर की पट्टी के आखिर में आप जाके वहां पे डबल क्लिक करेंगे, अब डबल क्लिक करने के बाद क्या होगा, अब ये चूंकि इस पे एक बहुत बड़ी क्लास है लेकिन आई एम ट्राइंग टू टेल यू मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसमें जो चीजें रहेंगी तो वो इंशाल्लाह कल आपको मैं बताऊंगा। बॉटम से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्ट्रोक का, स्ट्रोक का मतलब ये कि जैसे आउटलाइन आप इस्तेमाल करते हैं एम एस वर्ड में या किसी और सॉफ्टवेयर में, तो ये स्ट्रोक वही आउटलाइन को कहते हैं, देखेंगे आउटलाइन ऐसे वर्ड ये कम हो गई, ठीक है, ये मैंने रेड कलर की दे रखी है, इसको ज्यादा नहीं रख रहा, छह रखी है मैंने, इसका कलर अगर चेंज करना चाहूँ तो कलर मैं यहाँ से इसका ब्लू भी कर सकता हूँ, ब्लू मैंने दे दिया ये थोड़ा सा लाइट और डार्क कलर का, और ये स्ट्रोक बढ़ा के देखूँ तो बढ़ रहा है, लेकिन मैंने इस पर बिल्कुल सिंपल रखी है, तकरीबन रख रहा हूँ मैं छः सात रखी हुई, ठीक है। ऑपेसिटी का मकसद ये ट्रांसपेरेंसी इसकी कितनी है, ठीक है, 100 ये रहे तो बेहतर है। अच्छा ऊपर अब जाएंगे पैटर्न की तरफ, पैटर्न का मकसद ये कि इसके अंदर कलर ना आए, आपके पास एक पैटर्न ऑलरेडी यहाँ फोटोशॉप में दिए हुए हैं, आप वो फिल करना चाहें तो आप लोग वो दे सकते हैं, ठीक है जी, देखेंगे पैटर्न आपके पास है, अगर पैटर्न नहीं देना चाहते टिक को हटा दें, ग्रेडियंट में जाएंगे तो दो कलर्स का मिक्सचर को ग्रेडियंट कहते हैं, ये आपके पास बॉक्स दिया हुआ है इसमें सेम ऑपेसिटी मतलब कितना ट्रांसपेरेंट हो वो दिखा रहा है, ग्रेडियंट में जाएंगे तो ये आपके पास ये बने हुए हैं, ये कलर्स का मिक्सचर बना हुआ है, सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आप देखें आपके पास ये कलर्स मिक्सर, स्केल को कम करेंगे तो ये कलर्स का मिक्सचर बनता जाएगा, ठीक है, अब ये देखें, ओके, अगर ये भी नहीं देना चाहते सिंपल कलर देना चाहते हैं कलर वाले वन कलर सॉलिड कलर को कहते हैं, तो वो आप सॉलिड कलर कौन सा भी दे सकते हैं, ठीक है, ये ओके कर दिया मैंने, तो ठीक इसी तरीके से ये सिंपल चार आपको बताएं, लेकिन इसको कल हम जरूर रिपीट करेंगे और दोबारा से इस पूरे लेयर स्टाइल जो है इसको हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे, सो आई थिंक वी हैव जस्ट वन मिनट टू एंड दिस क्लास, और इंशाल्लाह आप लोगों के जो सवाल आते हों सबसे दरख्वास्त की प्लीज सवाल पूछें, प्लीज सवाल पूछें, क्योंकि जितने सवाल पूछेंगे उतना आप लोग सीखेंगे, तो आई एम वेटिंग टू आंसर यूर क्वेश्चन इन द